दीदी तेरा देवर दीवाना तो आपने सुना ही होगा। इस बार दीदी का जो देवर दीवाना हुआ है वो प्रेम नहीं यानी सलमान खान नहीं, वो राजेश है मुजफ्फरपुर के। और जो जिनकी दीदी की बहन जो दीवानी हुई है वो भी माधुरी दीक्षित यानी निशा नहीं, वो रूबी है इस बार मुजफ्फरपुर और आई की। मैं काशिम मलिक आपका कृषि न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और अगर आपने इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। और आप क्या सोचते हैं मोहब्बत के बारे में जरूर अपना कमेंट करें। अब सुनिए कहानी। मुजफ्फरपुर में क्या होता है, एक शादी होती है, उस शादी में एक देवर होता है दूल्हा का भाई, और इधर होती है एक लड़की जो दुल्हन की बहन है। उन दोनों के बीच दोस्ती होती है, उनके बीच एक दूसरे के नंबर शेयरिंग होती है। नंबर शेयर होने के बाद मोहब्बत परवान चढ़ती है, एक से एक वादे किए जाते हैं, और फिर वक्त आता है कि जितना वक्त निकल जाता है जब वादा निभाने का टाइम आता है तो दोनों बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जाकर मंदिर में ब्याह रचा लेते हैं। लेकिन मंदिर में ब्याह रचा लेते हैं ठीक है, लेकिन अब मामला होता है सिविल लीगल यानी इन सभी कानूनी चीजों का। कानूनी चीजों का जैसे ही मामला आया अब उसमें हुआ कि भाई कोर्ट में शादी कर ली जाए। दोनों कपल या कहिए कपल जो है वो पहुंचता है मुजफ्फरपुर कोर्ट। वहां पहुंचने के बाद पुलिस या कहिए या जो आसपास के लोग थे उनको कुछ शक हुआ इस पर, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पता चला कि औराई गांव के हैं। उसके बाद जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि हाँ ये मामला प्रेम प्रसंग का ही है और दोनों शादी कर रहे हैं। तो मिला जुला कि दोनों के परिवारों को इनको सौंप दिया जाता है। लेकिन जो कि मामला 3 साल से वो रिलेशनशिप में थे और लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, तो इस बार विलन कोई नहीं था। लेकिन जो शादी होने में लेट हुई उसमें विलन इनकी खुद की हरकत ही ऐसी हो गई कि वहां पर के जो प्रशासक थे, वहां जो पुलिस थी, उसको ये लगने लगा कि मामला कुछ और है। तो उसने ये समझा, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो परिवार को सौंप दिया और सौंपते ही शादी ब्याह हो गई। तो मामला तो बिल्कुल जो हैप्पी एंडिंग हुआ है जैसे वहां हुआ था उसी तरह यहां हुआ है। बस स्टोरी में ये टिल्ड है कि इस बार कोई विलन या सिचुएशन ऐसे नहीं बने थे। इन दोनों ने ही अपने हालात में ऐसा कर लिया कि जाकर खुद शादी करने का फैसला कर लिया, और उसके बाद उस शादी को जो पहले वो मंदिर में कर ही चुके थे तो उसको एक जो कानूनी जामा पहनाना था वो उन्होंने पहनाने के लिए वहां किया। तो ये फिलहाल मामला था। आप क्या सोचते हैं इस तरह के लव स्टोरीज के बारे में, आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। और बन रही कश्मीर उसके साथ हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहे। नमस्कार।